पुलिस महानिदेशक अभियोजन सुजान वीर सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित अभियोजन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, संयुक्त निदेशक अभियोजन अमिताभ प्रताप सिंह सहित अन्य शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान डीजी अभियोजन ने शासकीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक करके लंबित मुकदमों के निस्तारण को समयानुसार पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजी अभियोजन ने कार्यालय का निरीक्षण किया तथा अभियोजकों से बात करके उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद डीजी ने एसएसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीजी अभियोजन सुजान वीर सिंह ने कहा, कहाँ है आपकी गाड़ी, कहाँ उसी चलते हैं। हाँ असल में नहीं है, अच्छा यही तो है, यही पे ये सब दफ्तर का पिछवाड़ा है, यही आगे से था। उसके बाद यहाँ से मोशन हो गया, यहाँ खुला था सर, मैंने ये वेटिंग हॉल बना दिया 19 साल पहले। हाँ बहुत अच्छा, सही है, चेंज हुआ चाहिए, ये सब से सही है। ऐसे ही कोई सिस्टम में फल भरे हैं, ठीक है। हाँ मुख्य रूप से जो मेरे भ्रमण का मकसद था वो यहाँ के जो हमारा कार्यालय है संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, उसका निरीक्षण करना था, आकस्मिक निरीक्षण, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार का कामकाज है, क्या यहाँ के अधिकारियों की समस्याएं हैं और किस प्रकार हम अभियोजन के काम में और व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर हम लोगों ने चर्चा की है मुख्य रूप से। हाँ उसके लिए निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि मुख्य रूप से गवाहों की जो गवाही है उस पर ध्यान दिया जाए, और जो मुकदमे केस डायरी जब समाप्त हो जाती है, एक तरीके से कहा जाए बेचना समाप्त होने के बाद केस डायरी सबमिट होने से पहले कम से कम अभियोजन अधिकारियों की उसमें राय ली जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, तो इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि अभियोजकों को काम करने में आसानी हो। आगे सर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें गवाहों का पता नहीं चल पाता है, इसके लिए
उसके लिए मुख्य रूप से जो हमारे सबसे ज़्यादा इसमें समस्या आती है जो सरकारी सेवक हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है और ख़ास तौर से आईओ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो आरोप पत्र होता है उसी में पीछे कुछ उनका जो पीएनओ नंबर है, उनका मोबाइल नंबर है, लिखा जा सकता है जिससे ट्रेस करने में सुविधा हो। लेकिन उसके बाद भी जो रिटायर हो जाते हैं पुलिस अधिकारी, और कई बार रिटायर हो करके उन्होंने अपना पता लगा मोबाइल नंबर ही बदल दिया, पीएनओ नंबर का भी कोई मतलब नहीं रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसे अधिकारियों को ट्रेस करने में दिक्कत होती है। हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं।